wie man sie tötet. Lasst uns gemeinsam kämpfen! Der Wolf wird kommen. Und die Welt wird brennen. हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे वेब सीरीज को। इस लिस्ट के अंदर हम जितनी भी वेब सीरीज कवर करने वाले हैं, हो सकता है उनमें से मोस्ट ऑफ द वेब सीरीज का आपने कभी नाम भी ना सुना हो, और इस लिस्ट की सारी वेब सीरीज एक से बढ़कर एक हैं, और मोस्ट ऑफ द वेब सीरीज हिंदी में ही अवेलेबल है। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी 10th वेब सीरीज है बारबेरियन। वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई उस समय की, जब रोमन एम्पायर हुआ करता था, या कह सकते हैं AD 9 की, जिस समय रोमन एम्पायर पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहता था, जिसके लिए वो एक खास तरह की नीति अपना था। इनकी नीति ये थी कि अगर इनको किसी देश पे राज करना है, पहले उस देश पे आक्रमण करते थे, उस देश पे कब्जा करते थे, फिर वहीं के किसी रहने वाले बंदे को राजा बना देते थे, जो इनकी यानी रोमन्स की हर बात माने, और वहां के लोगों को ये लगता था कि उनका राजा उनके ऊपर राज कर रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता था कि ये राजा एक्चुअल में रोमन्स के लिए काम कर रहा है, उनका ये सेवक है। और इसी तरह रोमन्स जर्मनी के ऊपर आक्रमण करते हैं, वहां पे भी ये लोग अपने राजा को स्थापित कर देते हैं, अपने एक आदमी को स्थापित कर देते हैं, जिसकी वजह से जनता को ये लगता है कि यहां पे उनका राजा शासन कर रहा है। लेकिन वो लोग नहीं जानते कि यहां पे एक्चुअल में रोमन शासन कर रहे हैं, और रोमन अपनी शक्ति दिखाने के लिए उस राजा के बेटे को भी अपने साथ में ले जाते हैं, ताकि वहां पे वो लोग उसके बेटे को अपने हिसाब से ट्रेन कर सके, उसके दिमाग के अंदर वो सारी चीजें डाल सकें जिसकी मदद से वो हमेशा के लिए रोमन का गुलाम रहे, रोमन की बात ही माने। और काफी समय बाद जब वो लड़का बहुत बड़ा हो जाता है, वो वापस आता है जर्मनी, ताकि आके वहां पे वो राज्य कर सके। लेकिन इस बार वो एक जर्मनिक बन के वापस नहीं आया, वो पूरी तरीके से एक रोमन बन के वापस आया है। वो शरीर से तो जर्मनिक है, लेकिन दिमाग से पूरी तरीके से वो एक रोमन है। आगे क्या होता है वेब सीरीज के अंदर देखिए। मैंने इस वेब सीरीज की आपको कोई भी स्टोरी नहीं बताई है, मैंने बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। आगे जितनी भी चीजें होती है वो सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है व्हाट इफ। ये एक मिनी टीवी सीरीज है जो आई थी 2019 में। ये एक ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक कपल की, जो लोग बहुत ज्यादा खुश है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जो लड़की है उसका खुद का एक स्टार्टअप है, वो एक बिजनेसमैन है, और उसके बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गए हैं, उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, इतना कर्ज है कि वो अपने को सैलरी तक नहीं दे पा रही। और दूसरी तरफ जो उसका पति है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर, इसलिए दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन एक दिन इनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही रिच लेडी से, जो इन दोनों के सामने ही उस लड़की से बोलती है कि मैं तुमको बहुत सारी फंडिंग दे सकती हूँ, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल निकाल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम्हें एक रात के लिए अपने पति को मुझे देना होगा, उसके बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। और ये मान भी जाती है, अपने पति को उसके साथ जाने के लिए मना लेती है। लेकिन आगे जो जो चीजें होती हैं वो इनकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लाती हैं। इस वेब सीरीज के अंदर सिर्फ आपको एक बंदे की नहीं, और भी बहुत सारे लोगों की लाइफ स्टोरी देखने को मिलेगी, जो आपस में उलझ चुकी है इन्हीं लोगों की वजह से। आगे इस वेब सीरीज के अंदर जो जो चीजें होती हैं वो आप इस वेब सीरीज के अंदर ही देखिए। वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है स्नोपियर्सर। वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये एक एक्शन ड्रामा साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। वेब सीरीज के अभी तक 2 सीजन आए हैं, और दोनों ही हिंदी में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक बहुत बड़े साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की, जो अर्थ के ऊपर किया जा रहा है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल हो जाता है। इसके कारण पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत नीचे चले जाता है, माइनस में चला जाता है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचता। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, जिनको मौका मिलता है स्नोपियर्सर नाम की एक ट्रेन के अंदर जाने का, जो ट्रेन लगातार पृथ्वी के चक्कर लगा सकती है कई सालों तक, और वो इंसान बच सकते हैं, और ये लोग इस ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। लेकिन यहां पे भी वही चीजें होती हैं जो आम दुनिया के अंदर होती हैं। यहां पे गरीब लोगों को ट्रेन के पिछले डब्बों में डाल दिया गया, वहां पे उनकी लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, और अब वो लोग चाहते हैं कि वो लोग रिवॉल्ट करें और वो लोग अमीरों की तरह जिए। आगे क्या होता आप इस वेब सीरीज के अंदर ही देखिए। इस वेब सीरीज को 2013 में आई एक साउथ कोरियन मूवी, जिसका नाम भी स्नोपियर्सर है, उस मूवी से इंस्पायर करके बनाया गया। उस वेब सीरीज के मेल लीड में क्रिस इवांस है, जिनको आप MCU के अंदर कैप्टन अमेरिका के नाम से जानते हैं। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, इसके दोनों सीजन हिंदी में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है NOS 4A2। ये वेब सीरीज आई थी 2019 में। ये एक ड्रामा फैंटेसी हॉरर वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई एक आदमी की, जो आदमी अजर अमर है, कह सकते हैं वो लिटरली इमोर्टल है। उसके पास एक कार है जिसका नाम है रोल्स रॉयस, और उस कार के अंदर जब तक वो रहेगा तब तक वो मर ही नहीं सकता। और इसने एक खुद की दुनिया बनाई है जिसका नाम है क्रिसमस लैंड। ये वहां पे बच्चों को ले जाता है, पकड़ के उनको झूठ बोल के किसी भी तरह उनको वहां पे ले जाता है, और उनकी मदद से हमेशा जवान बना रहता है। लेकिन इसके रास्ते में एक सबसे बड़ी रुकावट बन गई, एक लड़की जो इसको इसके मंसूबों में सफल होने नहीं देना चाहती। आगे क्या होता आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये एक बहुत ही अच्छी वैम्पायर वेब सीरीज है, जो हिंदी में अवेलेबल है। इसके दोनों सीजन हिंदी में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है जिनी एंड जॉर्जिया। वेब सीरीज
सीरीज आई है 2021 में, ये कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है माँ बेटी की, जो लोग मिलकर एक नए शहर के अंदर शिफ्ट होती हैं क्योंकि इनके फादर की डेथ हो गई है। लेकिन जो इसकी माँ है वो इसको हमेशा एक ही बात बताती है कि कभी भी अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में मत देना, खासतौर पर किसी आदमी के हाथ में मत देना। लेकिन फिर भी ये लड़की जिसका नाम गिनी है, ये एक लड़के के प्यार में पागल हो जाती है, उससे प्यार करने लग। ये वेब सीरीज केवल एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज नहीं है, ये एक क्राइम ड्रामा भी है, ये एक पॉलिटिकल ड्रामा भी है, ये एक टीनेज ड्रामा वेब सीरीज भी है जो हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है ल्यूमिनेरियस, वेब सीरीज आई थी 2020 में, ये एक एडवेंचर ड्रामा मिस्ट्री वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज की कहानी सेट है उस समय में जब न्यूजीलैंड के अंदर हर जगह सोना निकला था, उस समय के पीरियड को गोल्ड रश पीरियड कहा जाता था और ये समय है 1960s का, जब दो लोग एक लड़की और एक लड़का निकलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ ताकि वहां पे जाके वो अपनी लाइफ को और ज्यादा अच्छा बना सके, क्योंकि वो लोग भी सोने की खोज में वहां पे जा रहे हैं। इन दोनों की मुलाकात होती है एक शिप पे और लड़का इस लड़की को एक कागज देता है जिसके अंदर एड्रेस होता है इसके होटल का। लेकिन जब ये जा रही होती है उसके होटल पे, तभी उसी बीच इसका पर्स चोरी हो जाता है, इसके सारे पैसे उसमें चोरी हो जाते हैं और ये मिलती है एक औरत से जो एक एस्ट्रोलॉजर होती है जो लोगों का भविष्य बताती है ग्रहों की चाल देखकर, और वो इसको गलत एड्रेस पे भेज देती है। आगे इन दोनों की लाइफ में क्या क्या होता है वो सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। वेब सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है बेटर कॉल सोल, ये वेब सीरीज आई थी 2015 से लेके 2021 तक, इसके अभी तक 5 सीजन्स आए हैं। ये क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है, ये वेब सीरीज ब्रेकिंग बैड सीरीज का ही एक प्रीक्वल है, उसी के यूनिवर्स का एक पार्ट है। इस वेब सीरीज को जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है वो वही डायरेक्टर है जिन्होंने ब्रेकिंग बैड को डायरेक्ट किया है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये वेब सीरीज कितनी कमाल की होने वाली है। इस वेब सीरीज की स्टोरी की बात करें तो इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई एक लॉयर की, जो एक नॉर्मल लॉयर होता है, लेकिन इसकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं जिसकी वजह से इसको एक क्रिमिनल लॉयर बनना पड़ता है। आगे क्या होता है वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है हाउस ऑफ कार्ड्स, वेब सीरीज आई थी 2013 से लेके 2018 तक, इस वेब सीरीज के अभी तक टोटल 6 सीजंस आए हैं जो कि हिंदी में अवेलेबल हैं सभी के सभी, और ये एक ड्रामा वेब सीरीज है। अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज पसंद है तो डेफिनेटली आपको ये वेब सीरीज पसंद आने वाली है। इस वेब सीरीज के अंदर आपको राजनीति देखने को मिलेगी। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई कांग्रेस मैन की, जिसको उसी के लोग धोखा दे देते हैं, उसके साथ विश्वासघात करते हैं, जिसके बाद वो लोग ये सोचते हैं कि ये अब चुप हो जाएगा और हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन वो अपने दिमाग का यूज करता है और अपने दिमाग का यूज करके वो उन लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है। वो अपनी वाइफ के साथ, जो उसी की तरह दिमागदार है, ये दोनों डिसाइड करते हैं, ये दोनों मिलके उन लोगों को सबक सिखा के रहेंगे जिन लोगों ने इनके साथ विश्वासघात किया है। इस वेब सीरीज के सभी सीजन हिंदी में अवेलेबल है, इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है मनी हाइस्ट, वेब सीरीज आई थी 2017 से लेकर 2020 तक, इसके अभी तक 4 सीजन आए हैं और चारों सीजन को नेटफ्लिक्स ने हिंदी में रिलीज कर दिया है। ये एक एक्शन क्राइम मिस्ट्री वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई प्रोफेसर नाम के एक बंदे की, जिसने एक बहुत बड़ी चोरी करने का प्लान बनाया है। ये चोरी स्पेन के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी चोरी है, क्योंकि ये लोग रॉयल मेंट ऑफ स्पेन से 2.4 बिलियन यूरोस चुराने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन जब ये लोग पहुंचते हैं रॉयल मेंट ऑफ स्पेन, तो वहां पे ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। चारों तरफ से इनको पुलिस ने घेर लिया और ये लोग अंदर फंसे हुए हैं। हम लोग यानी ऑडियंस जब इस वेब सीरीज को देख रहे होते हैं तो हमको यही लगता है बस अब तो खेल खत्म, अब ये लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन इस वेब सीरीज के अंदर जो मेन कैरेक्टर है, यानी जो प्रोफेसर का कैरेक्टर, वो इतना ज्यादा दिमागदार है, उसने इतनी ज्यादा प्लानिंग की है कि हम लोगों का दिमाग पूरी तरीके से घूम जाता है कि आखिर इतनी प्लानिंग कोई कैसे कर सकता है। इस वेब सीरीज के 4 सीजन है और चारों के चारों हिंदी में अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली आप इस वेब सीरीज को देखें। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट वेब सीरीज है कॉस्मोस, वेब सीरीज आई थी 2014 में, इसके अभी तक 2 सीजन आए हैं और दोनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं। ये एक डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज है, पर ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इस वेब सीरीज को इसीलिए नेटफ्लिक्स में 9.3 रेटिंग्स मिले हैं और 111,000 से ज्यादा लोगों ने इस वेब सीरीज को ये रेटिंग्स दिए हैं IMDb पर। इस वेब सीरीज के अंदर आपको यूनिवर्स की उत्पत्ति दिखाई गई, यूनिवर्स की शुरुआत दिखाई गई। इस वेब सीरीज के अंदर आपको क्वांटम वर्ल्ड, पूरी दुनिया, एलियन वर्ल्ड सब कुछ दिखाया गया। यहाँ पे आपको बताया गया दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था इंसानों को, और हमारे पूर्वज कैसे थे, विज्ञान कैसे आगे बढ़ा, सारी चीजें आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगी। अगर आपको साइंस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप इस वेब सीरीज को देखिए, अगर नहीं भी इंटरेस्ट है तब भी आप इस वेब सीरीज को देखिए। ये वेब सीरीज डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। इसके दोनों सीजन हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स 9.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।